सर, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी पे। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो एक मुद्दा है हिस्ट्री का, और मैं बता दूँ आपको हिस्ट्री में हम सीरीज़ लेकर चलेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री को कई सारे पार्टों में मैंने बांटा है, उसी में से एक पार्ट मैंने उठाया है। वो पार्ट कुछ इस प्रकार है कि हम बंगाल से स्टार्ट करेंगे, वो पूरे भारत में आएंगे, और ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या हम पढ़ेंगे इसमें, वो मैं आपको बता दूँ। हम लोग बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर, फिर भारत के गवर्नर जनरल, और फिर लास्ट में जो है वायसराय, भारत के वायसराय के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ये एक लंबी सीरीज़ होगी, मुझे लग रहा है 20-25 वीडियो इसके बनेंगे, 20-25 इसके पार्ट होंगे। तो आप पार्ट वाइज इसको देखते रहिए और प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे पॉइंटों को उठाकर उनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके मैं आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करते हैं आज बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि बंगाल का गवर्नर जो पद है वो कैसे आया, उसके पीछे कहानी क्या है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है वो आप सब जानते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव। अब इस आदमी के बारे में जानेंगे और यहीं से हमको इसकी रूपरेखा जो है मिल जाएगी। देखिए, इंग्लैंड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, उसका जन्म होता है, और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन खेलने कूदने में उसका बहुत ज़्यादा दिमाग लगता था। 18 साल का होते होते जो है वो इंडिया आ गया, और इंडिया में मद्रास में उसको जो है, मद्रास जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास जो बंदरगाह है, वहाँ पर उसको जो है एक क्लर्क या लिपिक का जो है काम मिल गया। एक क्लर्क के रूप में वो इंडिया मद्रास में आता है। उसका मुख्य काम क्या था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था या वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होता था, मुख्य सेनापति होता था, उसको पत्र वगैरह लिखता था, उससे संबंधित जो भी काम करता था। और इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि जब ये मद्रास में था, मद्रास है बंगाल नहीं, मद्रास में था, तो ये अपने पास हमेशा एक बंदूक, एक तलवार और एक घोड़ा रखता था। साथ ही साथ इसको एक और अधिकार प्राप्त था कि ये अपने हिसाब से ज़रूरत के अनुसार जो है वो सेना को इधर उधर क्या कर सकता था, ट्रांसफ़र कर सकता था, युद्ध के लिए उनका उपयोग कर सकता था, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करें, ये व्यक्ति जो है भारत में आया और धीरे धीरे जो है ये कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। इसके अंदर सैनिक कुशलता बहुत अच्छी थी, इसलिए ये एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में, या प्रभावशाली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, के व्यक्तित्व के रूप में जो है निखर कर सामने आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है, उसी दौरान भारत में फ्रांसीसियों का भी बोलबाला बहुत ज़्यादा था, और उस दौरान जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़लों का साम्राज्य था वो धीरे धीरे डगमगा गया था, और अब भारत में जो सूबेदार थे या हम कह लें नवाब थे, हैदराबाद के नवाब, बंगाल के नवाब, और साथ ही साथ जो है वो अवध के नवाब, इनका बोलबाला ज़्यादा हो गया था, और मुग़ल जो बादशाह था, वो मुग़ल बादशाह जो पद था वो धीरे धीरे आपका जो है वो पतन की ओर था। तो ऐसे में अब फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच एक होड़, एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि दोनों में से जो जीतेगा वही भारत पर क्या करेगा, राज करेगा, ठीक है। दोनों के बीच जो है कंपटीशन स्टार्ट था। फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों के पास एक बहुत ही काबिल व्यक्ति था जिसका नाम था डुप्ले, गवर्नर था फ्रांसीसी, और वो लगातार जो है वो फ्रांसीसी जो नेतृत्व है उसको भारत में क्या कर रहा था, बढ़ाता चला जा रहा था। ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है सामना होता है डुप्ले का। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, डुप्ले को दूसरे आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध था उसमें क्या कर देता है, हरा देता है, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है विजय प्राप्त करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव का जो पद है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कंपनी में। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ही चतुर व्यक्ति था, डुप्ले भी बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति था लेकिन वो अच्छा सैनिक नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव एक अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक अच्छा सैनिक भी था, इसीलिए कहीं ना कहीं उसको लाभ मिला। और उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ना तो पौंडिचेरी को जीतना था, ना मद्रास को जीतना था, उसका मुख्य उद्देश्य किसको जीतना था, बंगाल को जीतना था। और इसकी शुरुआत हुई 1757 में जो आपका प्लासी युद्ध हुआ है, प्लासी युद्ध में जब सिराजुद्दौला साहब नहीं रहे, मार दिए गए, उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहुत ही
एकदम खुलकर सामने आ गया। ठीक है, प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि बंगाल में एक एक पद होना चाहिए और उस पद पर एक ऐसा अंग्रेज व्यक्ति होना चाहिए जो बंगाल की सत्ता को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले, और उस पद का नाम जो है बंगाल का गवर्नर रखा गया। और बंगाल का गवर्नर जो पद है वो तोहफे के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो इस प्रकार से बंगाल में पहला जो गवर्नर हमको मिला वो कौन मिला? रॉबर्ट क्लाइव मिला। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बंगाल के गवर्नर के बारे में। अभी हम केवल और केवल बंगाल के गवर्नर की बात कर रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं। तो समझ लीजिए, ये पूरा बंगाल देख रहे हैं। बंगाल में अभी का बांग्लादेश भी आता है, असम आता था, और इधर जो वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल है वो भी आता था, कुछ हिस्सा जो है वो बिहार का आता था। तो ये पूरा आपका बंगाल था, और यहीं पर जो है सबसे पहले बंगाल के गवर्नर पद की स्टार्ट हुई थी। सबसे पहला जो गवर्नर बनाया गया वो क्लाइव बनाया गया, रीज़न मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहला क्लाइव गवर्नर बनाया गया, और उसके बाद 200 साल तक ये सारे गवर्नर जो है वो हमसे मुजरा करवाते रहे और हम करते रहे। शुरुआत करते हैं, क्लाइव 1757 में बना ये गवर्नर, और 1760 में ये वापस इंग्लैंड चला गया। कुछ कारण रहे होंगे, इंग्लैंड वापस गया। उसके बाद इसकी जगह पर एक अस्थाई गवर्नर बनाया गया जिसका नाम था होलवेल। होलवेल एक अस्थाई गवर्नर था, कुछ समय के लिए था, उसको वापस भेज दिया गया। उसकी जगह पर वेंसिटार्ट 1760 से लेकर 1765 तक दूसरा बंगाल का गवर्नर था, या हम कह लें दूसरा परमानेंट गवर्नर था, क्योंकि बीच में अस्थाई गवर्नर होलवेल भी थे। उसके बाद वेंसिटार्ट के बाद क्लाइव वापस आया। अब ये क्लाइव वापस क्यों आया है, इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी जब क्लाइव के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। 1765 से 1767 तक फिर से क्लाइव जो है भारत का, माफ़ कीजिए, बंगाल का गवर्नर रहता है। उसके बाद वेरेलेस्ट नाम का एक व्यक्ति आता है जो 1767 से लेकर 1769 तक बंगाल का गवर्नर रहता है। वेरेलेस्ट के बाद एक और आते हैं कर्टियार। कर्टियार 1769 से लेकर 1772 तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो अगला जो व्यक्ति है वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये 1772 से लेकर 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहता है। अब पॉइंट इज कि ये तो आगे भी रहा है, तो दोस्त उस पर हम लोग बात करेंगे। 1772 से लेकर 1774 तक इसका पहला कार्यकाल है, और किस रूप में है? बंगाल के गवर्नर के रूप में। इसका अगला जो कार्यकाल 1774 से 1785 तक जाएगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाएगा, उसको हम बात करेंगे बाद में। तो ये जो बंगाल के गवर्नर आप देख रहे हैं, इन सभी गवर्नरों की नियुक्ति जो है वो की जाती थी किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर हम कह लें कंपनी के द्वारा। आपको बिल्कुल ये नहीं लिखना है कि बंगाल का जो गवर्नर होता था उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश सरकार अभी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, वो आगे चल के करेगी। आप सिक्वेंस से पढ़ते रहिए, फ्लो में बहते रहिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो इन सब की नियुक्ति कहाँ किसके द्वारा हो रही है? कंपनी के द्वारा हो रही है, याद रखिएगा। ठीक, तो अभी हमको सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है, इसको सही कर दो। ठीक हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है कैमरा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो अभी हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? क्लाइव के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बंगाल के गवर्नर में सबसे पहला जो हमारे पास गवर्नर है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव देखिए, इसके दोनों कार्यकाल मैं बता देता हूँ, एक साथ बार बार नहीं पढ़ेंगे। पहला जो इसका कार्यकाल है वहाँ पर मैंने लिखा भी था, और इसका जो है द्वितीय कार्यकाल। पहला कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 तक है, और दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 तक है।
दो कार्यकाल हैं रॉबर्ट क्लाइव के। आप जानते हैं कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का पहला गवर्नर है ये। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें जो हैं इससे इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, किस प्रकार से इसने भारत में काम किया, उन सब चीज़ों पर हम जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आया क्यों, भारत दोबारा क्यों आया। देखिए, पहले कार्यकाल में इसके बारे में केवल एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि ये बंगाल का पहला गवर्नर था। दूसरा कार्यकाल इसका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कार्यकाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1764 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और एक संयुक्त सेना के मध्य। ठीक है, एक युद्ध हुआ था जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो संयुक्त सेना थी उसमें आपके शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे वो भी शामिल थे और बंगाल का जो नवाब था वो आपका शामिल था। इस युद्ध में विजय प्राप्त हो गई किसको, अंग्रेज़ों को। जब उनको विजय प्राप्त हो गई तो अब कन्फर्म हो गया था कि बंगाल में प्रभुत्व जो है किसका जम जाएगा, अंग्रेज़ों का जम जाएगा। इसीलिए एक मजबूत और एक जो है कूटनीतिज्ञ व्यक्ति को बुलाया गया बंगाल के गवर्नर के रूप में, और फिर से इनवाइट किया गया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल वापस फिर आ जाता है गवर्नर के रूप में। अब आते ही ये क्या करता है, एक संधि करता है। ठीक है, आते ही एक ये संधि करता है, यानी पहला पॉइंट ये है कि इलाहाबाद की संधि इसके समय हुई, यानी पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके समय क्या हुई है, इलाहाबाद की संधि हुई है। अब ये इलाहाबाद की संधि में करता क्या है वो पॉइंट आप समझ लो। इलाहाबाद की संधि में सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि 26 लाख रुपए नीचे तक आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, 26 लाख रुपए सालाना मुगल बादशाह को देकर बंगाल, बिहार और साथ ही साथ, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ सुन लीजिएगा, उड़ीसा, उड़ीसा की क्या प्राप्त कर लेता है, दीवानी प्राप्त कर लेता है। यानी पहला काम क्या करता है ये, 26 लाख रुपए सालाना पेंशन एक्चुअली देकर मुगल बादशाह को ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेता है। किससे, मुगल बादशाह से। उसके बाद और ये क्या करता है, यहाँ ऊपर मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद ये 53 लाख रुपए क्या करता है, 53 लाख रुपए में बंगाल के नवाब से, बंगाल के नवाब से, देखिए पहली पॉइंट, पहला पॉइंट आप समझिए कि 53 लाख रुपए देकर बंगाल के नवाब से सूबेदारी खरीद लेता है, सूबेदारी या फिर इसको निजामी भी कहते थे। अब एक पॉइंट आप समझिए, ये ऐसा क्यों किया गया है कि सबसे पहले इलाहाबाद की जो संधि हुई है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में, उसमें इसने किया क्या कि मुगल बादशाह से अवध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी खरीद लेता है 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर, और बंगाल के गवर्नर से, बंगाल के नवाब से क्या करता है कि निजामी या सूबेदारी खरीद लेता है। ठीक, ये इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त, तो एक पॉइंट और समझिए, इसके बाद ये 1765 में ही क्या करता है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को अप्लाई कर देता है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करता है। अब आपके सामने ये प्रश्न है कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या है, तो द्वैध शासन व्यवस्था को आप बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब, ध्यान दीजिएगा, जब आप निजामी या हम कहें जो सूबेदारी है और जो दीवानी है उसको प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे। तो मैं आपको द्वैध शासन व्यवस्था बताऊँगा, द्वैध शासन व्यवस्था बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा
दीवानी और सूबेदारी क्या होती है वो आप जान लीजिए, तभी द्वैत शासन व्यवस्था आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें दीवानी की, जो कि दीवान कहलाता था इसको संभालने वाला, इसके अंतर्गत क्या आता था? इसके अंतर्गत राजस्व। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दीवानी में आती थी? राजस्व व वित्त मामले। यानी दीवान या फिर दीवानी जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत क्या क्या आता था? राजस्व और वित्त मामले आते थे। यानी जितना भी पैसे से संबंधित कोई भी चीज़ होती थी वो सब किसके अंतर्गत आता था? दीवानी या दीवान के अंतर्गत आता था। उसके बाद हम बात करें सूबेदार, सूबेदारी या फिर इस पद को क्या बोलते थे? सूबेदार, इसको निज़ाम भी कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या आता था? इसके अंतर्गत पुलिस व्यवस्था और साथ ही साथ न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था। ध्यान दीजिए, अब एक पॉइंट समझिए, ये दोनों जो आप पद देख रहे हैं ये दोनों पद मुगल काल में प्रचलित थे, मुगल काल से चले आ रहे थे। यानी मुगल काल में दो पद चलते थे, जब अकबर उसके बाद शाहजहां वगैरह जो भी रहे हैं उनके समय दो पद चलते थे औरंगजेब के टाइम, जिनको हम दीवान और सूबेदार के नाम से जानते थे। दीवान के पास क्या क्या अधिकार होते थे? पूरा राजस्व और वित्त से संबंधित मामले होते थे। सूबेदार के पास पुलिस और व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्थाएं होती थी। ये दोनों पद जो हैं, ये दोनों पद याद रखिए, ये दोनों पद जो है पहले किसके प्रति उत्तरदायित्व रखते थे? मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायित्व रखते थे। यानी हर प्रांत में ये पद होते थे और ये दोनों पद जो है मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायित्व रखते थे। औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्ति क्या होती चली गई? छीण होती चली गई, कमजोर होती चली गई। इसलिए इन पदों का अपने ही प्रांत में क्या हो गया? महत्व तो बढ़ गया, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा जो है इन पर अधिकार मुगलों का नहीं रह गया इन पदों का। ठीक है, और इन दोनों पदों को किसने खरीद लिया है? दोनों पदों को खरीद लिया है किसने? अंग्रेज ने, या हम कहें रॉबर्ट क्लाइव ने, या हम कहें कंपनी ने। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक, ये दोनों पद किसके पास हो गए हैं? अंग्रेज के पास। यानी दीवानी या दीवान कोई व्यक्ति होगा जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और उसका काम क्या है? जनता से टैक्सेस वसूलना। वसूलेगा कौन? वो व्यक्ति जो दीवान होगा, और वो नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा। यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? अंग्रेजों के प्रति है। तो अंग्रेज जितना उससे टैक्स लगवाएंगे, जितना उससे वसूलने को कहेंगे, उतना वो वसूलेगा। क्लियर है? अच्छा, ये पद भी किसके अंडर में आ गया है? अंग्रेजों के अंडर में या कंपनी के अंडर में। अब इस पद से कौन कौन से काम होने हैं? पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था। इन दोनों पर भी कब्जा किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पद अब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए हैं? रॉबर्ट क्लाइव, या हम कहें कि बंगाल के गवर्नर के प्रति। ठीक, चलिए अब समझिए कि ये द्वैत शासन व्यवस्था क्या है। द्वैत शासन व्यवस्था क्या है? याद रखिए, बंगाल में, बंगाल के नवाब व बंगाल के गवर्नर का शासन। यानी ये दोहरा शासन कहाँ पर हो रहा है? बंगाल में, बंगाल में बंगाल के नवाब व बंगाल के गवर्नर का शासन। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए, दो प्रकार का शासन हो रहा है। ये जो बंगाल का गवर्नर है, इसके पास क्या है? इसके पास दीवानी है और इसके पास निज़ामी है। यानी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दीवानी वाला काम और निज़ामी वाला काम, इस पर नियंत्रण किसका है? बंगाल के गवर्नर का है। ठीक, अब एक पॉइंट और समझिए, बंगाल का नवाब जो है उसके पास क्या बचा है? उसके पास कुछ नहीं बचा है। वो केवल जो है बंगाल का राजा या नवाब तो कहला रहा है, लेकिन टैक्स वसूलने का काम कौन करवा रहा है? अंग्रेज करवा रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। पुलिस व्यवस्था किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। तो ये दोहरी जो व्यवस्था थी ये बहुत ही खतरनाक थी। इसके आगे चलकर बहुत दुष्परिणाम भी होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। अब देखिए, अंग्रेज बहुत ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने बंगाल द्वैत शासन व्यवस्था में जो दीवानी का पद था वो
उस दीवानी के पद पर इंडियन यानी भारतीय को ही पोस्ट किया, इसका ही अपॉइंटमेंट हुआ। और इस पद पर भी कौन था? इंडियन ही था, यानी दीवान जो था वो एक भारतीय था, निज़ाम जो था वो भी एक भारतीय था। ठीक है, यानी अंग्रेज़ पूरी तरीके से क्या हो गए, इस व्यवस्था से उन्होंने अपने आप को दूर रखा, लेकिन नियंत्रण उनका बना रहा। जितना भी टैक्स वसूलना होता था, वसूलने कौन जाता था? एक भारतीय व्यक्ति। पुलिस व्यवस्था जो भी अत्याचार करती थी वो किसके कहने पर करती थी? एक भारतीय व्यक्ति के कहने पर, ऐसा दिखता था, लेकिन असल में इन भारतीयों के पीछे कौन बैठा था? बंगाल का गवर्नर बैठा था। क्लियर है? तो ये जो व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था को जो है द्वैध शासन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और समझिए, यानी द्वैध शासन आप समझ गए होंगे कि बंगाल में राजस्व वसूलने वाला, पुलिस व्यवस्था, फाइनेंस व्यवस्था या फिर न्यायिक व्यवस्था, इन सब पर अंग्रेजों का अधिकार था, बाकी बची हुई चीज़ें थी उन पर बंगाल के नवाब का अधिकार था। उसके पास घुइयाँ कुछ नहीं बचा था, सब कुछ किसके पास आ गया था? सब कुछ आ गया था बंगाल के गवर्नर के पास। अब एक चीज़ आप और समझिए, ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है, इसी को कहा जाता है उत्तरदायित्व रहित, इसको बोला जाता है उत्तरदायित्व रहित अधिकार, एक कोटेशन ये, और इसके बाद अगला है अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अब इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, गंभीर है ये। देखिए, उत्तरदायित्व रहित अधिकार, अधिकार उनके पास हैं बड़े सारे, और अगर कोई झोलोल होती है तो उसके लिए वो कोई उत्तरदायित्व भी नहीं रखते हैं। मतलब ये पॉइंट किसके फायदे के लिए है? ये पॉइंट है फायदे के लिए बंगाल के गवर्नर के लिए। इसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन उसके लिए वो उत्तरदायित्व नहीं रखता है। अगर बात करें अधिकार रहित उत्तरदायित्व, अधिकार तो बहुत सारे हैं किसके पास? बंगाल के नवाब के पास। लेकिन अधिकार रहित उत्तरदायित्व, अधिकार तो बिल्कुल नहीं है बंगाल के नवाब के पास, लेकिन वो उत्तरदायित्व रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं काम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई घटना होती है तो उसका उत्तरदायी कौन है? मैं हूँ। अंग्रेज जिनके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन वो उत्तरदायित्व नहीं रखते। क्लियर है इतनी बात? ये कोटेशन याद रखिएगा, द्वैध शासन के संबंध में कही जाती है, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ द्वैध शासन 1765 में लागू किया गया है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कहाँ पर? सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया है। और द्वैध शासन को लागू करने से पहले चाल क्या चली गई थी कि मुगल बादशाह से दीवानी और बंगाल के नवाब से निज़ामी को खरीद लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और एक इसमें किया गया है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 1765 में ही हुई है। दूसरी भी इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है, वो बाद में होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ इसके दुष्परिणाम आप देखिए, क्या नाम जो आपका ये द्वैध शासन जो लगा था, इसके दुष्परिणाम एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ रुपए लिख रहा हूँ, और ये रुपए जो है वो 1767 टू 69 के बीच के हैं, 1966-67 के रुपए हैं, 1766-67 के रुपए हैं। देखिए, बंगाल में याद रखिएगा, बंगाल में 1766 और 67 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस दौरान 2,24,67,500 रुपए जो है वो टैक्स के रूप में वसूले गए। और इसके पहले वाला, यानी जब द्वैध शासन नहीं लागू हुआ था, यानी 1765 और 66 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें लगभग 83 लाख रुपए ही वसूले गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है चिल्लम काटी हुई होगी, कितना ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया होगा, दरें कितनी बढ़ा दी गई होंगी, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। और बढ़ाई किसने होंगी? जो भारतीय दीवान व्यक्ति होगा, जिसको इंडियन व्यक्ति, जिसको दीवान के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो
इतना ज़्यादा टैक्स वसूला गया, यानी दूने से भी ज़्यादा, ढाई गुना टैक्स वसूला गया, तीन गुना टैक्स वसूला गया, तो जाहिर सी बात है दरें बहुत ज़्यादा लगान की बढ़ा दी गई होंगी। इतनी बात क्लियर है। और इसी के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बंगाल की स्थिति ख़राब हो गई। ठीक, अभी और इसके बारे में बातें हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं, फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए इसी के समय क्या हुआ, इसी के समय में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, यानी इसी के समय 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि होती है और इसी के समय 1765 में जो है वो इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। और दूसरी संधि में होता क्या है, दूसरी संधि में अवध जो है सुजाउद्दौला को वापस मिल गया, वापस मिला, यानी दूसरी संधि में जो अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला, उनको अवध वापस दे दिया गया। उसके बदले उनसे क्या किया गया, उसके बदले उनसे जो है 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में लिए गए। दूसरी संधि में एक पॉइंट और, इसी इलाहाबाद की दूसरी संधि में क्या हुआ, बनारस जो आप देख रहे हैं, बनारस और गाजीपुर, बनारस और गाजीपुर की जो जागीरें हैं राजा बलवंत को दे दी गई। यानी दूसरी इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई है, एग्जैक्ट अगर आपसे कभी डेट पूछी जाएगी तो 16 अगस्त 1765 में हुई है। इसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो हैं इनको अवध वापस दे दिया गया है, बस पैसे लिए गए हैं 50 लाख रुपए। बनारस और गाजीपुर की जो जागीरें हैं वो राजा बलवंत को दे दी गई हैं। इसके बाद एक पॉइंट और होता है कि अवध में कुछ ज़िले आते थे अवध के, कड़ा और इलाहाबाद ज़िले मुगलों को दे दिए गए। ठीक है, तो तीन पॉइंट याद रखिए 1765 में दूसरी जो इलाहाबाद की संधि हुई है उसमें, और एक इससे पहले हो चुकी है इलाहाबाद की संधि जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें दीवानी और निज़ामत को क्या कर लिया गया था, अंग्रेज़ों द्वारा ख़रीद लिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो एक पॉइंट और समझिए, इसी आदमी के समय 1766 में स्वायत्त विद्रोह हुआ। ठीक है, याद रखिए स्वायत्त विद्रोह हुआ था। स्वायत्त विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, इलाहाबाद में कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा ही कर दिया गया था। याद रखिए स्वायत्त विद्रोह कभी आपसे पूछेगा तो 1766 में किसके समय, रॉबर्ट क्लाइव के समय, इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद के कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा ही किया गया था। अब अगर हम बात करें कि ये वापस जब गया 1765 में, 1767 में जब ये वापस चला गया, वापस जाकर इसने इंग्लैंड की संसद में कुछ बातें कहीं, वो बातें बहुत ही गंभीर थी। इसने कहा कि बंगाल में जो द्वैत शासन लगाया गया वो अभी तक का सबसे ख़राब व्यवस्था थी जो कि भारत के बंगाल में लगाई गई। ऐसी व्यवस्था दुनिया के किसी शासक ने ना इससे पहले लगाई थी ना आगे।